नगर निगम शिमला की मासिक बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। मेयर सत्य कौंडल की अध्यक्षता में नगर निगम की मासिक बैठक में आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्षदों के साथ चर्चा की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बैठक में केवल महापौर सत्य कौंडल सहित उप महापौर शैलेंद्र चौहान, नगर निगम आयुक्त पंकज राय सहित केवल कुछ नगर निगम कर्मचारियों ने बैठक में भाग लिया तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्षदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। बैठक में पार्षदों द्वारा कर्फ्यू के दौरान नगर निगम द्वारा लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों की सराहना की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि लेबर हॉस्टल में रहने वाले मजदूरों से फिलहाल किराया नहीं लिया जाएगा। पानी, कूड़े और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए 30 जून तक राहत दी गई है। इस दौरान इनकी दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। मेयर सत्य कौंडल ने कहा कि सार्वजनिक पेयजल कनेक्शन पर पानी का बिल नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा शहर में निगम संपत्तियों के किराएदारों को भी 30 जून तक किराया नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते गार्बेज पानी, प्रॉपर्टी तथा व्यवसायियों से लिए जाने वाले टैक्स को माफ करने के लिए सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव नगर निगम द्वारा भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रयास करेगा कि इस संकट की घड़ी में ये टैक्स माफ किए जाएं। मासिक बैठक के दौरान नगर निगम शिमला ने लॉकडाउन के दौरान कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों के वेतन में 10% वृद्धि की जाएगी। साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले निगम कर्मियों को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। इनको हमने 1500 रुपया जो है सरकार ने दिया है 1500 सेंटी हमने पास किया और हम उनको देंगे। और हम जो जो हमारे सफाई कर्मचारी है और जो स्वास्थ्य के कर्मचारी है हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इस मुसीबत में जो अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और आगे के लिए जितना कुछ हम कर सकेंगे उनके लिए हम करेंगे। और उनके लिए जो भी हमने जैसे ग्लव्स लेने हैं और इस तरह के जो हमने एस्टिमेट पास करवाए हैं ग्लव्स वगैरह और उनके लिए शूज़ है, यूनिफॉर्म है, मतलब हर तरह से जो हम उनका जो है सहयोग कर रहे हैं। और हम तो यहाँ तक चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से इनको सम्मानित करें कि उन्होंने जो है इस मुसीबत की घड़ी में बहुत साथ दिया है शिमला शहर के। मैम जो हमारा सेल है उसके माध्यम से आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है आज हमने साधारण बैठक करी है और जिसमें हमने बहुत सारे जो हमारे जो फैसले थे वो हमने किए हैं। जैसे कि हमारे जो 27 स्टाफ कर्मचारी जो डेली बेसिस पे हैं जिनका जो है अवधि पूरी हो चुकी थी उनको हमने 1 साल की एक्सटेंशन दी है। और दूसरा जो हमारे जैसे टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, पानी का टैक्स है और गार्बेज की फीस है तो हम इसका जो आज हमने जो फैसला लिया कि हम इसको सरकार के लिए भेजेंगे और हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है 3 महीने जब तक ये जो प्रॉब्लम चली है तब तक इसको जो जम्प किया जाए। और जो हमारे लेबर हॉस्टल में जो हमारे मजदूर लोग रहते हैं और जब तक वो दिहाड़ी पे नहीं जाते हैं और काम पे नहीं जाते हैं तब तक हम उनसे जो है किराया नहीं लेंगे। और दूसरा जो हमारा आज जो है जो हमारे सफाई स्टाफ कर्मचारी है सह सोसाइटी के जो कर्मचारी है उनको जो हमने 10% जो है सैलरी हमने 1 अप्रैल से बढ़ा ली है। और हमारे यहाँ जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है हमारे पास स्टाफ की बहुत ही कमी है तो हमारे यहाँ चीफ इंस्पेक्टर जो राम सिंह जी है रिटायर हो रहे हैं तो हम इनको लिए सरकार के लिए हमने इनको जो है 1 साल के जो एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव भेजा है। और इसी तरह जो हमारी नगर निगम की जो शॉप्स है तो इसमें भी हमने सरकार को भेजा कि जब तक ये प्रॉब्लम चली हुई है तब तक जो है इनका जो है किराया एग्जम्प्ट किया जाए तो ये भी हमने आज जो है प्रस्ताव सरकार को भेजा है। और जो हमारा एक प्लांट है जो बिहार में उनको हमने 50 लाख का जो है एडवांस दिया है ताकि वो जो प्लांट है कंटिन्यू चल रहे हैं। हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।